हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए जीएसटी काउंसिल के द्वारा एक नई कमेटी का गठन किया गया है। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल के द्वारा एक नई कमेटी का गठन किया गया है ताकि जो सप्लाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा की जाती है उसके लिए टैक्स कॉम्प्लायंस इंश्योर की जा सके। फ्रेंड्स, ये जो कमेटी का गठन किया गया है इसमें स्टेट के जीएसटी ऑफिसर भी हैं और सेंटर के जीएसटी ऑफिसर भी हैं। फ्रेंड्स, इस कमेटी को क्या काम दिया गया है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो सप्लायर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं वो डायरेक्टली टैक्स रेवेन्यू को अफेक्ट करते हैं कंज्यूमिंग स्टेट की, इसलिए यह कमेटी कैसी स्ट्रेटजी वर्कआउट करेगी ताकि मेजर सप्लायर जो हैं उनको मैप किया जा सके। इसके अलावा इस कमेटी के द्वारा एक्शन प्लान भी बनाया जाएगा ताकि कॉम्प्लायंस इंश्योर की जा सके और इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट है उन्हें अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा जो दूसरे रिलेटेड मैटर हैं उन्हें भी देखा जाएगा ताकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सप्लायर के द्वारा जीएसटी लॉ को फुल्ली कॉम्प्लाई किया जा सके। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट 10 डेज़ के अंदर सबमिट करनी होगी यानी कि 18 दिसंबर 2020 से। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। जैसे ही फ्रेंड्स जीएसटी काउंसिल के द्वारा इसके रिगार्डिंग कोई भी लॉ में चेंज किया जाएगा उसके बारे में हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। कृपया सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA26 टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए YouTube चैनल टैक्स हील को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।